अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद जो है आपको बारे में बताना कि हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप आया हुआ है कतर का, कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसके स्कॉलरशिप की डिटेल क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, दूसरी बात ये इस्लामिक कंट्री में कंसिडर किया जाता है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि आप ये हमारा ग्रुप देख रहे हैं कैरियर्स हेल्प डेस्क, यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप की डिटेल अवेलेबल होंगी जो हमने रिटर्न फॉर्म में अपलोड की हुई है। अगर आपको यहाँ पे वो सब हमारी पोस्ट नहीं मिलती या हमारा ग्रुप आपको नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे लिखें कतर स्कॉलरशिप 2019, तो ये पहले पहले ही आपको 2019 हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन कतर का लिंक होगा। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डिटेल सारी आ जाती हैं। ये एक स्कॉलरशिप साइट है, कौन इसको चला रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छे तरीके से वो बहुत चला रहे हैं, इस पर काफ़ी डिटेल दी हुई होती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे डिटेल गिवन है, कंट्री कतर है, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम भी गिवन है। डेडलाइन आपके पास क्या है, 1 अप्रैल 2019। स्कॉलरशिप्स कवरेज क्या है, तकरीबन जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सब चीज़ आपको अवेलेबल होगी, आपको दिया जाएगा। कतर जो है 5000 स्टाइफंड पर मंथ प्लस अकोमोडेशन प्लस रिटर्न टिकट ईयर फॉर एमएस फॉर पीएचडी फैमिली अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू मैरिड स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो मैरिड हैं, जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, वो पीएचडी करना चाह रहे हैं या मास्टर करना चाह रहे हैं, कोई भी और प्रॉब्लम, उनको जो है ये फैसिलिटीज भी अब प्रोवाइड की जाएगी। अब सबसे पहले तो चेक करते हैं कि स्कॉलरशिप बनता कितना है पाकिस्तान के मुताबिक, ये मैं आपको गूगल पे दिखाता चलूँ। आप इसको जो है गूगल पे जब करके पीकेआर पे क्लिक करेंगे तो पीकेआर तो वो आपको बता देगा कितना बनता है। अब आप देख ही चुके होंगे कि ये पाकिस्तान के मुताबिक कितना स्टाइफंड आपका बनता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट बन रही है। आई थिंक 1,92,000, 1,92,000 इस वक्त के मुताबिक बन रहा है। वो इस वजह से क्योंकि डॉलर की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है बनिस्बत पहले दौर से, बनिस्बत पहले दौरानिया से, कुछ भी टाइम पास होने से, उसकी वजह से तो आपका स्टाइफंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से मुराद हाईली पेड। इतना स्कॉलरशिप आपको जापान और सिर्फ कोरिया देते हैं, उसके बाद आपको अब ये कतर भी आपको इतना स्कॉलरशिप दे रहा है। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल, प्रोग्राम्स ये उनकी मेन साइट पर भी जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर ऑफ आर्ट्स है, साइंस है, आर्ट्स इन इस्लाम है, साइंस इन इस्लामिक आर्ट है, फाइनेंस एंड इकोनॉमी है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दी कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का मैं मेन लिंक आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा है, और ह्यूमैनिटीज सोशल में कौन सा है, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, इनकी मेन साइट पे जाते हैं। मेन साइट इनकी ये, जैसा कि आप लिखेंगे www.hbku.edu.qa, जब आप लिखेंगे तो ये उनकी मेन ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट पर आप ओपन देख रहे होंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, ये सिंपल आपके डायरेक्ट क्या करता है, आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ ले जाता है। यहाँ पे अबाउट एच बी के यू है, एकेडेमिक्स है, रिसर्च है, लाइफ। जब आप एकेडेमिक्स पे क्लिक करेंगे, एकेडेमिक्स पे क्लिक करने के बाद जब आप एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर ओवर प्रोग्राम्स। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। ये देखेंगे आ गए कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडी, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया आपको, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ लॉ एंड पब्लिक, कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ। अब नीचे उनके प्रोग्राम्स ये बने कौन कौन से अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मैं इंजीनियरिंग से मैच करता हूं तो मैंने इंजीनियरिंग क्लिक किया। यहां पे आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है आप उसको जब आप ओपन करेंगे तो उनके यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी गिवन है, उनकी डिटेल भी गिवन है, ओवरव्यू भी गिवन है कि हमें स्कॉलरशिप के लिए, इस एडमिशन के लिए क्या क्या यूनिवर्सिटी को रिक्वायर है। ये सिंपल प्रोसीजर और कुछ भी नहीं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपने क्या करना है, जब आपको पता चल जाए, आपने सिंपल क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये होम पेज आपके सामने ओपन होता है। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि आपने अगर कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, कोई आने वाले टाइम के बारे में पूछना है, क्या कुछ है यहाँ पे, वो सब कुछ है। अप्लाई फॉर एडमिशन है, क्लासेस शेड्यूल है, कोर्स कैटेगरी है, कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज, तो आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर एडमिशन। ये आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कंसिडर की जाएगी स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना कि हम तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर तो आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आप रजिस्टर्ड हुआ हुआ है तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपने इस पर क्लिक करना है फर्स्ट टाइम यूजर अकाउंट क्रिएशन। ये आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आपने सिंपल फिल करना, बहुत आसान फॉर्म है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ऑटोमेटिक जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये एक होम पेज आपके पास आएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे सेम जैसा कि ये लिखा हुआ है,
या मेरा तो लिखा हुआ ना फॉल 2019, आपका जब आप न्यूली ओपन करेंगे तो आपका आएगा न्यू, आगे लिखा होगा स्कॉलरशिप टाइप क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने तो ये की हुई है, स्टार्ट की हुई है तो मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मैं आपको उसी के बारे में बताता चलूंगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, आपने न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे स्टार्ट करेंगे तो वो पूछ रहा है एप्लीकेशन टाइप, आप जो है किस पे करना चाह रहे हैं, बीएस है, पीएचडी है, कौन सा है, आप यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एमएस है तो इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस में एमएस कहाँ पे होगा, चलिए आपका जो भी यहाँ पे बनता है बना लीजिए। मेरा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी में आता है क्योंकि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना एमएस सेलेक्ट किया, एमएस सेलेक्ट करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद तो वो पूछ रहा है एडमिशन टर्म आपके पास कौन सी है, फॉल 2019 है, फर्स्ट नेम आपका ये है, सैफ लास्ट नेम आपका नेम है, ठीक हो गया, फिल आउट द एप्लीकेशन, आपने फिल आउट द एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ ऑप्शन आएंगे जहाँ पे क्या हो गया, नेम है, एड्रेस है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेशनलिटी है, प्रोग्राम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड 2 है, टेस्ट स्कोर या इंटरनेशनल टेस्ट स्कोर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो आपने सिंपल क्या करने हैं, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आपने नेम पे क्लिक करना है, नेम पे क्लिक करने के बाद उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, आपकी सिंपल डिटेल है, आपका नाम क्या और ये क्या है, आपने उसको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एड्रेस आ गया, स्ट्रेट सिंपल वही, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा, आपने मोबाइल नंबर दे देना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, जेंडर आपका क्या है, मेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने यहाँ पे लिखनी है जो भी आपकी बनती है 1995, आपने वो क्लिक कर देनी है। उसके बाद आर यू अ कतरी रेजिडेंट ऑफ द कतर, नहीं हम कंट्री नहीं, हम तो इंटरनेशनल में, इफ यस तो आपने उस कंट्री के, इफ रेजिडेंस हाउ मैनी ईयर्स नहीं है, आपने इसको सिंपल नो कर देना है। ईमेल आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, सिंपल दोबारा वेरीफाई करना है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास नेशनैलिटी आ गई, आपने क्या करना है, अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ आपका क्या था, पाकिस्तान, या आप जिस भी कंट्री से रिलेट करते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोग्राम आ गया, इंडिकेट अ फील्ड, वन आपने फील्ड सेलेक्ट करने कौन से, जैसा कि मैंने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया था तो यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी आई है और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट आया है, मैं सस्टेनेबल एनर्जी को क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, एंटर अदर मेजर्स माइनर एंड द कनेक्शन, जो भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने और प्रोग्राम्स भी ऐड अप कर सकते हैं। ये देखें ना, ये प्रोग्राम आ गया है, चेंज इस प्रोग्राम आपने करना है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वन प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कि मैंने वन मोर पे क्लिक किया तो उसने कहा चेंज दिस प्रोग्राम, आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन रिप्लेस कर सकते हैं, नया ऐड नहीं कर सकते कि मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करूं, आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद तो क्या होगा, अब आप देखेंगे, हाँ अब यहाँ पे देखें, उन्होंने पूछा है यूनिवर्सिटी कोड एंटर 01 इफ़ यू कैन नॉट फाइंड योर कॉलेजेस, आपने यहाँ से सिंपल जो है अपने कॉलेजेस को कोड करना है, जो भी आप सेलेक्ट आउट करना चाहें, ऐसा कि आप ये सेलेक्ट कंट्री है, नो स्टेट प्रोविंस, जो भी आपका यहाँ पे बनता है, लिस्ट सिटीज इन सेलेक्टेड स्टेट प्रोविंस आर द कंट्री, जो भी है आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। आप जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, आपका पाकिस्तान है, आपने कर लेना है। ये भी है कॉलेज बैकअप पेज, सेलेक्ट एदर द स्टेट प्रोविंस आर कंट्री वेयर यू प्रीवियस कॉलेज इज लोकेटेड, यहाँ पे आपने प्रीवियस अपनी स्टडी की आपने वो बताना है, कभी आप वहाँ पे सेलेक्ट करने लग जाए, इसका मतलब है यहाँ पे अपने एजुकेशनल डिटेल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो भी हैं आपके वो ऑफर करेगा। जैसे कि ये आ गया सेलेक्ट योर कॉलेज सिटी, आपका सिटीज क्या था, आप ऑल सिटीज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने ऑल सिटीज कर दी, वो आपको क्या करेगा, तमाम के तमाम कॉलेजेस जो भी इसके अंदर हैं वो सब के सब यहाँ पे आपको शो करा देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जो इसके अंडर आती हैं, जिनको ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं या जिनके लिए ये चीज़ बनाई गई है, ये स्कॉलरशिप जिनको ऑफर है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं। आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी करते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपने वो कर लेनी है, यूनिवर्सिटी पंजाब है, यूटी लाहौर है, या जो भी है,
नेक्स्ट आपने क्या करना है, कॉपी सिलेक्टेड कॉलेज इन्फॉर्मेशन टू डाटा एंट्री फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो भी है, ये देखिए ना, उसने ऑटोमेटिक आपके कॉलेज का कोड यहाँ पे पुट आउट कर दिया है। सिटीज़ आप यहाँ पे अब चेंज कर सकते हैं, आप लाहौर सिटी कर सकते हैं, योर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कंट्री आपका पाकिस्तान है क्योंकि आपने पाकिस्तान से की है। इज दिस अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, यस ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। डिग्री आपकी यहाँ पे कौन सी थी, बैचलर डिग्री हमने की है, बैचलर ऑफ साइंस हो सकता है, मास्टर ऑफ साइंस है, जो भी आपके साथ ये क्लिक करता है आपने इसको क्लिक आउट कर लेना है। क्लिक आउट करने के बाद इफ़ नॉट फाउंड एंटर फ्लॉ आपने, अगर तो यहाँ पे आपका नहीं है तो आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं। इज दिस एन ऑनलाइन रजिस्टर्ड लर्निंग डिग्री, नो आपकी रेगुलर डिग्री थी। कॉलेज मेजर आपका कौन सा था आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग थी मेरी, आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा आप यहाँ से खुद से राइट कर सकते हैं। वॉज द लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, आपने येस कर देना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट और डेट ऑफ यहाँ पे कम्प्लीशन है आपने वो देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटरव्यू एन अदर कॉलेज और डिग्री जब आप क्लिक करेंगे, सेम टू सेम यही चीज़ आपके पास ओपन होगी, ऐसा ही फॉर्म आएगा जैसा कि मैंने प्रीवियस करके दिखाया, इसको आपने ऐड कर लेना। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अभी देखें ना कि आपको एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो है इस चीज़ को डाटा को कंप्लीट नहीं किया, आप इसको कंप्लीट करें। इसका मतलब है हमें ये सब कुछ फिल आउट करना पड़ेगा। अक्टूबर थी 5 कर देते हैं, 2014 2018 मंथ अगस्त डेट 6। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, समथिंग एरर, यू मस्ट एंटर द आंसर, नोप, यस। कंटिन्यू करने के बाद अब अभी देखें आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड सेकंड ऑप्शन आ गया है। इंसर्ट दी कम्युलेटिव ओवरऑल GPA आर एवरेज ग्रेड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द मोस्ट रिसेंट डिग्री, आपने यहाँ पे अपनी GPA लिखनी है, आउट ऑफ 4.0 आप कर दें। व्हाट वाज योर GPA ग्रेड आउट ऑफ दी, आपने यहाँ पे सिंपल 4 कर देना है, 4.0 या सिंपल 4 आप लिख देंगे, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें। यहाँ पे आप 3.4 सिंपल लिखें, आउट ऑफ 4 कर दें। इंसर्ट योर डिग्री क्लासिफिकेशन इफ़ एप्लीकेबल, फर्स्ट क्लास ऑनर, वेरी गुड मेरिट, जो भी था आपने यहाँ पे लिखना, मेरिट पे हुआ है, आप सेल्फ पे किया है, आपने फर्स्ट क्लास ऑनर था, जो भी था आपने यहाँ पे अपनी डिग्री क्लासिफिकेशन ऐड करनी है कि आप मेरिट पे गए थे और अच्छे ग्रेड के साथ आप पास आउट हुए हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरिट क्लिक कर देता हूँ, आपने इसको नेक्स्ट करना है। कंटिन्यू करने के बाद अभी आपके पास इंग्लिश टेस्ट के स्कोर्स आ गए हैं जो आपने यहाँ पे फिल आउट करने हैं, मतलब कि अगर कोई भी टेस्ट आपके पास फॉर एग्जांपल है या नहीं है, जैसा कि अभी GMT एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव, आइट्स, वर्बल, टफल, फला फला राइटिंग, ये सारे कोर्स हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको सिंपली ब्लैंक भी आप इसको छोड़ कर नेक्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, अगर आप यस हैं, नो है, अगर आप यस हैं तो आपने डिटेल देनी है, अगर नो है तो आपने सिंपल नो कर देना। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, जो भी है आपकी, अपने उर्दू करनी है, इंग्लिश करनी है, जो भी आप करना चाहें, वैसे तो हम उर्दू करेंगे। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ ओवरसीज है, तो वो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट आउट कर सकता है। हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन अ ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट यू डिड नॉट कम्प्लीट, नो हमने पहले कभी अप्लाई नहीं किया। इफ यस प्लीज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू HBKU, आपने नो कर देना कि हमने पहले कोई भी अप्लाई नहीं किया। लास्ट पे क्या आ गया, इफ़ यू हैव अ मेडिकल कंडीशन विच रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ सपोर्ट प्लीज मेंशन हियर, नो आई एम मेडिकली फिट, आई एम मेडिकली एंड फिजिकली फिट, आपने ये क्लिक करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपके पास वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ जो है अपलोड करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे टाइप्स हैं, आपने क्या करना है, पासपोर्ट और कॉपी, कतरी आईडी कार्ड अगर आपके पास है, वरना नहीं, ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड है, टेस्ट स्कोर ऑप्शनल है, पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर का नाम भी देते हैं, वो रिक्वायर्ड है। CV रिज्यूमे आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड है। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर है। ग्रेडिंग स्केल रिक्वायर्ड, मतलब कि आपने आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वहाँ पे ग्रेड गिवन होते हैं, उसकी बैक साइड पे आपने उसकी पिक भी अपलोड करनी है। एक होती है ट्रांसक्रिप्ट जो आपको सब कुछ बता रही होती है, लेकिन ग्रेडिंग स्केल आपके ट्रांसक्रिप्ट की बैक पे गिवन होती है कि जो है ना, हमारा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये ग्रेड होता है, इस पॉइंट से यहाँ तक ये ग्रेड होता है, आपने उसकी भी अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने नेट से डाउनलोड कर लेनी है अपनी वेबसाइट की। ये अपलोड करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे,
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप ये देखें सब कुछ आप देख रहे होंगे कि मेरा ये सब कुछ जो है ये फिल आउट होगा। ये बता रहा है कि जब फिल होगा तो कंप्लीट सेक्शन होगा, जो फिल नहीं होगा वो इनकम्प्लीट सेक्शन होगा। ये मेरा होम पेज है, यहाँ पे एप्लीकेशन चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किए, इस वजह से ये वाइट इनकम्प्लीट जो है सेक्शन आ रहा है। जब आप इसको कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा एप्लीकेशन कंप्लीट। आप एप्लीकेशन इज कंप्लीट पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और फाइनली आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है कि वेट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 इसकी डेडलाइन है। उसके बाद जो जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, वैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि ये लोग मैक्सिमम लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे, स्काइप पे इंटरव्यूज़ होंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये लोग सेलेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि हमारी एप्लीकेशन मुस्लिम कंट्री से, मुस्लिम कंट्री जाएंगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा चांसेस भी हों, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, हमें वीडियो पे कमेंट कर सकता है, हमारे ग्रुप में आके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, मुझे मेंशन कर सकता है। इसके एंड पे मैं अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करूंगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। हमसे जितना होगा हम आप लोगों के लिए रास्ते आसान करेंगे, जितना हम लोग जानते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मतलब इम्प्रेसिव हो। आपके जो सीवी या रिज्यूमे है जब किसी के सामने जाए तो वो अट्रैक्टिव हो, वो उसको देखने पे मजबूर हो कि यार चलो बच्चे के ग्रेड अच्छे नहीं है लेकिन उसको बुलाओ ज़रूर कि इसने जो सीवी पे प्रेजेंट किया है क्या ये इसमें वाकई ही है। क्योंकि टैलेंट और जो लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं वो सीवी रिज्यूमे या ग्रेड्स नहीं बताते कि आपके जो हैं मेरे 4x4 CGPA है, मेरा 100% परसेंटेज है, मेरी 80% है, वो आपकी क्वालिटीज़ को नहीं बताते। क्योंकि परसेंटेज पाकिस्तान में तो कोई भी ले सकता है, हाईएस्ट रटा सिस्टम यहाँ पे है, कोई भी ले सकता है। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंशिएट क्रिएट करती है 4x4 और 3x4 वाले CGPA के दरमियान कि इसने कैसे रिप्रेजेंट किया है और इसने कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो रिप्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो है एप्लीकेशन अच्छी से अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इसमें अप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आप लोगों के काम आएगी। और इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है कहीं पे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो हमसे आके कॉन्टैक्ट कर सकता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था कि जो है ना आप लोग कैसे अपना वर्कआउट करेंगे।